बरेली के भैड़ी में किसान महा पंचायत में पहुंचे पूर्व सांसद एवं राष्ट्रीय लोक दल उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा है कि लोगों में कृषि कानून को लेकर नाराजगी है। लोग इन कृषि कानूनों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए जगह जगह किसान पंचायतें हो रही हैं। सरकार को चाहिए कि तुरंत कानून वापस ले। जयंत ने यह भी कहा कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी हैं, उनका अपमान देश का अपमान और तिरंगे का अपमान है। लोगों के अंदर नाराजगियां हैं, लोग इन कानूनों को स्वीकार नहीं कर रहे, जगह जगह पंचायत करके वो इस बात को इजहार कर रहे हैं। बात सरकार को महसूस करनी चाहिए, सरकार कानून वापस ले और MSP के लिए कानूनी कोई प्रक्रिया, कोई ऐसा यंत्र बनाए, तंत्र बनाए। ये किसानों की मांग। सर, ये लड़ाई कब तक चलेगी? देखिए, हम तो चलाएंगे ही, लेकिन जो किसान बैठे हैं उन्होंने तो ऐलान कर दिया, 111 दिन हो चुके तब भी डट के बैठे हैं। और उन्होंने कहा है 100 दिन की बात नहीं, लड़ाई नहीं है, तो 200 दिन भी बैठना पड़े तब भी तैयार। देखिए, रीढ़ की हड्डी देश की आज भी खेती से जुड़ा हुआ इंसान है, वे बहुत बड़ी कुर्बानी देते हैं, उनके बच्चे, घर के लोग देश की रक्षा में तैनात हैं। इनका अपमान मतलब देश का अपमान, तिरंगे का अपमान, राष्ट्रीयता का अपमान है। वे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हों, सांसद हों, विधायक हों, जिन्होंने भी बातें की हैं, वे देश से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। इनके पास और कुछ पिटारे में है नहीं ना, ये इन्हीं मुद्दों को उछालते हैं। बाकी बेरोजगारी पर शांत हैं, नकली दुर्गेश जैसे खड़ा करके वीडियो खिंचवाते हैं और ट्वीट करते हैं। यानी इनके पास एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला, व्यक्ति नहीं मिला जिसको इन्होंने नौकरी दी हो, जो कैमरा के आगे कह सके कि मुझे पारदर्शी तरीके से समय पे नौकरी मिली, एक भी नहीं मिला। किसान की हाय दुगनी हो गई है। आने वाले दिनों में यूरिया की फर्टिलाइजर सब्सिडी भी सरकार समाप्त करना चाहती है, और जो बिजली 250% महंगी हो गई उत्तर प्रदेश में, इससे भी किसानों की लागत बढ़ी। ये सरकार एक ही भाषा जानती है, जब तक जनता विरोध नहीं करेगी ये लोग मानेंगे नहीं। कर्मचारियों ने विरोध किया, अगले दिन ही वित्त मंत्री का बयान आ गया कि नहीं नहीं हम सारे बैंकों को नहीं बेचेंगे। दूसरी तरह सारे किसान आगे आएंगे तो तभी मानेंगे इस बात को कि हम सारी जमीन नहीं बेचेंगे।